हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और स्पेशल सीरीज जो हमारी चल रही है टॉपर स्टॉक, उसमें आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्रेया सिंघल से। श्रेया ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 में 176 रैंक हासिल करी है। चलिए मिलवाते हैं श्रेया से और जानते हैं उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच सर। श्रेया, देखिए, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि जो यूपीएससी का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जब आता है तो उस लिस्ट में उनका नाम दिख जाए। तो आपका ये सपना पूरा हुआ है साल 2020 में। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने पहली बार अपना नाम उस लिस्ट में देखा तो आपका रिएक्शन क्या था, आपने सबसे पहले क्या किया? जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन सुबह से हम लोग काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी 12 बजे रिजल्ट आएगा, 1 बजे नहीं, 4 बजे, 5 बजे। तो सही बताऊं तो मैं थोड़ा थक भी गई थी कि कब आएगा रिजल्ट, इतने दिनों से हम लोग सोच रहे हैं। तो एक वो भी था, पर जब 6 बजे के अराउंड आई थिंक रिजल्ट आया था, तो सबसे पहले मैंने रिजल्ट देखा एक ग्रुप पर, फिर मैंने वेरीफाई किया और फिर मैंने सबसे पहले अपने घर वाले, अपनी फैमिली को कॉल करके बताया कि रिजल्ट आ गया है, मेरा नाम आ गया है। तो सबसे पहले मेरा वही एक्ट था, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से ये एंटिसिपेशन करते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, कब होगा, तो सबसे पहला एक्ट मेरा ये। तो यहाँ पे अब श्रेया, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप किस शहर से आती हैं और आपका बचपन कैसा रहा और आपका स्कूल कहाँ पे था और स्कूल में कैसे स्टूडेंट थे आप? सर मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के एक टाउन है सरसावा, वहां से आती हूँ। मेरा पूरा बचपन, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई, सेंट मेरिज एकेडमी से। और जी बचपन से, ऑल्दो ये थोड़ा सा क्लीशे है, लेकिन बचपन से मैं थोड़ा पढ़ाकू लड़की थी, बहुत पढ़ने वाली। और मेरी मम्मी भी मुझे बहुत पढ़ाती थी, मुझे अभी भी याद है, वो मुझे सुबह उठकर भी पढ़ाती थी, रात पे भी पढ़ाती थी। मेरी मम्मी जानी जाती थी इसलिए, क्योंकि वो हमको बहुत पढ़ाती थी। तो जी मेरा बचपन जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों का होता है वैसे ही रहा है। मेरी एक जॉइंट फैमिली है, तो आसपास मेरे बड़े कजिन्स हैं, तो उन लोग सबके साथ खूब मस्ती भी की, लेकिन साथ ही साथ खूब पढ़ाई भी। तो इस तरह का एक मिला जुला मेरा बचपन था। और स्कूल में जाते थे, क्लास 12 तक मैं यहीं पर स्कूल में गई थी। उसके बाद मैं जी फिर ग्रेजुएशन के लिए MNIT जयपुर में गई थी, तो फर्स्ट टाइम मैं उस वक्त बाहर गई। तो श्रेया, आपको ये कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? और क्योंकि कई बार होता है कि परिवार में कुछ लोग होते हैं, तो क्या उनकी वजह से हुआ या फिर आपके फ्रेंड्स की वजह से हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? सर देखिए, हमारे परिवार में तो, और यहाँ तक कि दूर दूर तक की फैमिली में तो कोई नहीं है इस फील्ड में। लेकिन जब मैं कॉलेज गई थी, तो मेरी सीनियर एक थी, वो प्रिपेयर कर रही थी सर्विसेज की कॉलेज से। तो जी मेरी, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो उनके साथ कभी कभी बात हो जाती थी, तो मैं उनको देखती थी कि वो 1 घंटा 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो मुझे तब समझ नहीं आया कि कोई इतना लंबा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकता है। तो फिर तब मुझे उनसे मुझे पता चला ये करियर ऑप्शन, जब मैं कॉलेज में थी। और फिर मैंने इसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया, फिर मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं भी इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकती हूँ। फिर और इसी जी तरह मैं और लोगों से मिलती गई और एक्सप्लोर हुआ। जैसे मेरे एक सीनियर थे एक और कॉलेज से, ही इज इन फॉरेस्ट सर्विसेज नाउ, एंड ही हैज बीन माई मेंटर थ्रू आउट माई प्रिपरेशन जर्नी। तो ओके उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मोटिवेशन मिली। तो यही सब एक्सपीरियंसेस से फिर मुझे इस फील्ड में आने की इंस्पिरेशन मिली। जी तो देखिए, एक तो सबसे पहली बात होती है कि ये सोच पाना कि सिविल सर्विसेज जाना है, वो बहुत बड़ा एक निर्णय होता है आपके जीवन का। और उसमें बहुत सारे लोग, कई बार होता है कि पहली बार सफल हो जाते हैं, कई बार होता है कि आपको एक दो अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, क्या ये पहला अटेम्प्ट था आपका? नहीं सर, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और जैसे जी आपने बोला, क्योंकि हम स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं था इस चीज का, तो हमें ये जी अक्सर पता नहीं होता कि इसमें कितना टाइम लग जाता है। तो जैसे जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे 4 साल या 3 साल तो पूरे पूरे प्रिपरेशन में लग जाएंगे। लेकिन फिर जब हम धीरे धीरे इस प्रिपरेशन में आए, तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको बहुत टाइम लग जाता है। और एक तरह से ये डिजर्व भी करती है, ये जो जर्नी है वो डिजर्व जी करती है मे बी इतना टाइम कि आप उसको पूरा समझें, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है, अंडरस्टैंडिंग इतनी वाइड चाहिए आपको। अगर आप कोई राइट एक स्टेज भी क्लियर कर ले, लेकिन आपको तीनों स्टेजेस क्लियर करनी होती है, तो राइट उस हिसाब से आपको थोड़ा टाइम लग जाता है इस पूरी जर्नी में। ओके तो श्रेया, तो चलिए अब मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे दर्शक हैं और वो अभी प्रीलिम्स के
लिए तैयारी कर रहे होंगे, कुछ पेपर्स दे चुके होंगे, दोबारा तैयारी कर रहे होंगे, तो आपकी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए क्या रही थी? वैसे तो ये पूरा एग्जाम एक इंटीग्रेटेड कोर्स की तरह पढ़ना चाहिए, किसी की अलग अलग हम लोग लेकर नहीं नहीं मैं नहीं रिकमेंड करती किसी को अलग अलग पढ़ने के लिए। हालांकि पहले 3 मंथ्स में, प्रीलिम्स से पहले 3 मंथ्स में मैं ऐसा एडवाइस करूंगी कि आपको सोली प्रीलिम्स पर फोकस होना चाहिए, और उसमें भी आपके स्टैटिक पोर्शन, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे हम इकोनॉमिक्स देखते हैं, ज्योग्राफी देखते हैं, इसमें बेसिक्स ही पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें से आपको कोई गलत नहीं होना चाहिए। बाकी रही बात आपकी डायनेमिक पोर्शन, आपके करंट पोर्शन की, तो वो आजकल बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनफैक्ट जो टॉपर्स होते हैं उनको भी नहीं समझ आते कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन, गेस एंड एस्टिमेट, वो सब टेक्निक्स थोड़ी यूज करनी होती है। उसके लिए सर मेरे मानने में मॉक्स बहुत काम आते हैं आपके, कि आप मॉक्स दीजिए, आप कैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक पर अपना अपनी कमांड बनाएंगे, क्योंकि किसी को भी 30 से 40 क्वेश्चन से ज्यादा किसी को भी एकदम फाइनली नहीं आता किसी को भी आंसर प्रीलिम्स के एग्जाम। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको मॉक्स दीजिए, आप मॉक्स हर मॉक से अपनी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करिए, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, और एक लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करिए, बिकॉज आजकल मार्केट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे सोर्सेज हैं, अगर हम सबको फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ कंक्रीट इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो आप एक सोर्स चुनिए जिस पर आपको विश्वास है, जो आपको अच्छा लग रहा है, और उसको ही फिर बार बार रिवाइज करते रहिए एक एग्जाम तक, जो भी एग्जाम। तो यही मेरे कुछ सुझाव है प्रोफेसर। ओके श्रेया, तो मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र किया था न्यूज़पेपर का, तो आप कितने घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते थे और किस तरीके से पढ़ते थे? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो अलग अलग तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी न्यूज़पेपर पढ़ने की और कितने घंटे पढ़ते थे रोजाना? सर देखिए, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की थोड़ी आदत पहले से ही थी, मैं थोड़ा पढ़ती रहती थी, मुझे अच्छा लगता था न्यूज़पेपर पढ़ना। ऑफ कोर्स जब से प्रिपरेशन से पहले इतना डेप्थ में कभी नहीं पढ़ती थी, बट एक थोड़ा सा बेसिक एक आइडिया था। उसके बाद जब मैं प्रिपरेशन में फुल टाइम आई, तो मैंने डेली मैंने न्यूज़पेपर को फॉलो किया, और न्यूज़पेपर को मुझे ऐसा लगता है सारे एस्पिरेंट्स को सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए, जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट है वही चीजें आप पढ़िए। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की स्टेज पर हैं, तो मैं ऐसा एडवाइस करूंगी आप बिल्कुल भी पॉलिटिकल न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, बस उसके मेन की टर्म्स आप देख लीजिए अपने पॉलिटी के रेफरेंस के लिए, उसके अलावा और नहीं पढ़े। स्पोर्ट्स भी आप इग्नोर कर सकते हैं कन्वीनियंटली। सेकेंडली, न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक मेंस से रिलेवेंट जो चीजें हम लिखते हैं और एक प्रीलिम्स से रिलेटेड जो हम चीजें लिखते हैं। तो मेंस के रिलेवेंट सर मैं एडिटोरियल के अपनी लैंग्वेज में बुलेटेड पॉइंट्स में नोट्स बना लेती थी, और जैसे भी मैं नोट्स जिस भी टॉपिक के अंदर मुझे वो नोट्स सही लगते थे मैं वहां डाल देती थी, वो जो बुलेटेड पॉइंट्स में मेरे नोट्स होते थे। बाकी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो अगर जैसे कोई एनवायरमेंट का कोई नया टर्म आ गया, कोई पॉलिटी फॉर एग्जांपल स्पीकर की बातें चल रही हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बातें चल रही हैं, जल शक्ति मिनिस्ट्री, इन सब चीजों की बातें चल रही हैं, तो मैं छोटा सा इसको कहीं नोट कर लेती थी कि ये सब चीजें करंट की न्यूज में। तो इस तरह से मैं प्रीलिम्स और मेंस को ऐसे सेग्रीगेट कर लेती थी, साथ ही मैं करंट अफेयर्स को फिर कॉम्प्लीमेंट करती थी किसी मंथली मैगजीन से। तो उससे क्या होता था कि मेरे एफर्ट्स कम हो जाते थे, जैसे प्रीलिम्स के लिए अगर मैंने 10 टर्म्स निकाली है न्यूज़पेपर से, तो काफी सारी टर्म्स वो मंथली मैगजीन कवर कर लेता था, और अगर मुझे लगता था कि थोड़ा सा कुछ बाकी है तो मैं बस सिंपली एक गूगल सर्च कर लेती थी, मैं उस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाती थी। फॉर एग्जांपल अगर जल शक्ति की बात कर रहे हैं, तो उसकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइए और छोटा सा अबाउट अस या FAQ कुछ एक बार बस नजर डाल लीजिए, क्योंकि आजकल जो हम प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कहीं पर भी, आपको थोड़ी सी ब्रॉड नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ ऑफ मैगजीन्स या सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूज़पेपर पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो बस मेरी थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती थी हर एक टॉपिक का और हर एक नई चीज के बाद। जी, और कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो पढ़ाई के दौरान बोर हो जाते हैं, तो अब से मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आप भी बोर होती थी, और अगर हाँ इसका जवाब है तो बोर होने के बाद आप ऐसा क्या करती थी कि आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो सके? यस सर, आई थिंक क्योंकि टाइम इतना लग जाता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 साल लगेंगे अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ये क्वाइट नेचुरल है कि आप थोड़ा बोर हो जाएं, आपको लगे कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है।
तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी कभी ऐसा लगता था कि वही चीज आप दोबारा दोबारा पढ़ रहे हैं। तो फिर उसके लिए दो तीन चीजें आप कर सकते हैं। पहला तो आप नए तरीके से पढ़ सकते हैं उन चीजों को, फॉर एग्जाम्पल आप रिवाइज कर रहे हैं, आप स्पेक्ट्रम पॉलिटी। श्रेया, मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा, अब मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि श्रेया पढ़ती नहीं है तो क्या करती। ओके ठीक है सर। तो मैं क्योंकि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में रहती थी, तो एक बहुत अच्छी चीज वहाँ पे ये थी कि मुझे एक वॉक करने का बहुत एरिया, जॉगिंग करने का एरिया, एक बहुत ग्रीन कैंपस मुझे मिला हुआ था, जो कि मैं ब्लेसिंग कंसिडर करती हूँ। तो मैं आई यूज टू गो फॉर वॉक, आई यूज टू गो फॉर जॉगिंग। कभी कभी हम लोग के वहाँ पे इंडोर गेम्स भी है, तो मैं वो भी खेल लेती थी, तो उससे थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट हो जाता था। कभी कभी अगर मुझे ज्यादा एकदम ऐसा लगता था कि अभी सैचुरेट हो चुकी हूँ, तो फिर मैं कोई मूवी देख लेती थी अपने किसी फ्रेंड से पूछकर, कोई अच्छी मूवी या फिर कोई अच्छी टीवी सीरीज, कुछ थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए थोड़ी पढ़ाई से। अच्छा, मैं यही पूछा था, आपने अब जो है इसका सही जवाब दिया है कि आप क्या करते थे। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बताइए, आपके फैमिली में और कौन कौन, आपके भाई बहन कौन कौन हैं और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, साथ ही साथ बचपन में आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक हॉबी थी और लगता था कि यही करियर चूज करना है, ऐसा कुछ था आपने सोचा था बचपन में, बात कर रहा हूँ जब आप स्कूल में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे फादर की मेडिकल शॉप है, मेरी मदर इज अ हाउसवाइफ, उसके अलावा मेरी ताईजी हैं, शी इज आल्सो अ हाउसवाइफ, एंड मेरे तीन सिबलिंग्स हैं, मेरी यंगर सिस्टर, आई एम द एल्डेस्ट वन, मेरी यंगर सिस्टर शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड मेरे दो भाई हैं जो कि अभी एजुकेशन कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे थ्री कजिन्स हैं जो कि मुझसे बड़े हैं, एंड दे हैव ऑलवेज बीन अ रॉक सॉलिड पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर मी थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन। उसके बाद सर, जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि पहले से मैंने कोई ऐसी हॉबी डेवलप की थी कि इसी करियर में जाना है, सर ऑनेस्टली स्पीकिंग क्लास 12 तक मुझे बहुत ज्यादा नहीं आइडिया था इस फील्ड का, इस करियर ऑप्शन का, तो उससे रिलेटेड फिर ऐसी भी कोई टारगेटेड हॉबी मैंने नहीं डेवलप की। हाँ, ये जरूर था कि मुझे बचपन से थोड़ा पढ़ने का शौक था, मैं बुक्स पढ़ लेती थी, जैसे कि मेरे बड़े भाई क्लास 12th में होते थे, मैं 9th में थी, तो मैं उनकी इंग्लिश की बुक्स पढ़ लेती थी, मैं नॉवेल्स पढ़ती थी, तो ये सब मुझे थोड़ा थोड़ा शौक था, पर कभी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये ऐसे करियर में जाएंगे तो ऐसे उसमें हेल्प होगी या इस तरह से कुछ नहीं सोचा। वही आपने जैसे बताया कि आपने बीटेक किया हुआ है, तो इंजीनियरिंग आप करना चाहते थे, उसके बाद फिर आपको वहां पर एक मोटिवेशन मिल गया और फिर आपको एक दिशा मिल गई वहां पे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और आपकी मेंस की स्ट्रेटजी, जैसे वैसे आपने बताया कि आप एक साथ प्रिपरेशन करते हो प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो मेंस के लिए आपने क्या तैयारी करी जब आप प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई कर गए थे उसके बाद? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। उसके लिए अगर मैं मेंस की स्ट्रेटजी बताऊं, तो अगर जीएस की स्ट्रेटजी हम लोग देखें, तो सर जीएस का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि जीएस का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है उसका सिलेबस को देखना, बिकॉज बहुत वाइड सिलेबस है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, पर क्वेश्चन सिलेबस से ही होता है, तो पहली वो चीज। दूसरा, मैंने एनालाइज करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जीएस में आते हैं, हर सब्जेक्ट वाइज, हर टॉपिक वाइज। तीसरा सर, मैंने ये मेक श्योर किया था कि क्योंकि मैं पर्सनली मैं नोट्स को बहुत प्रेफर करती हूँ, तो मैंने ये मेक श्योर किया था कि मेरे पास हर टॉपिक हर सब्जेक्ट के नोट्स हों, जो कि मैं एकदम से इंस्टेंटेनियसली मैं रेफर कर पाऊँ, मैं रिवाइज भी कर पाऊँ अपनी हैंड राइटिंग में, जो कि आई थिंक पर्सनली हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, और मेरा ये वाला था, तो मेरे पास हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के मेरे पास नोट्स थे, क्योंकि मैंने अलग से कोई कोचिंग नहीं की थी इसके लिए, जीएस के लिए, तो मेरे को, मुझे ये लगता है कि ये मुझे एक एडिड फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मुझे जो भी मटेरियल जहां से मिल रहा है, जो पसंद आ रहा है, मैंने उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ये मेरा एक एडवाइस है कि आप हर टॉपिक के नोट्स प्रिपेयर करिए, जैसे भी आप लोग करते हैं, क्योंकि वो रिविजन में बहुत ईजी होता है। सेकेंड स्टेप होता है सर आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग के लिए मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करें तो चलता है, बट मेंस में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी बहुत बहुत ज्यादा हाईली एडवाइजेबल है, तो इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मैंने उनको टाइम पर मैं आंसर्स लिखती थी। ये होता था कि जब मैंने स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट किया था, तो मैं पूरे आंसर्स नहीं लिख पाती थी, मेरे पास कंटेंट नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे मैंने एनालाइज करना स्टार्ट करा, अपने नोट्स को और बिल्डअप करना स्टार्ट किया, तो मेरे पास कंटेंट भी था,
और उससे फिर स्पीड भी आपकी बिल्ड होती है। तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फिर आंसर राइटिंग, आप ऐसे ही इस तरह से जाइए। इसके अलावा सर, अगर मैं ऑप्शनल का देखूं, जो मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो उसका मैंने जो स्टैटिक और जो थ्योरी पार्ट था वो मैंने सिर्फ नोट्स से किया था, जिसके लिए मैंने कोचिंग ली थी, तो सिर्फ नोट्स पर रिलाई करा था, उसके अलावा और कुछ नहीं करा था मैंने, और मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है ह्यूमैनिटीज, तो थोड़ा मैंने नोट्स पर ही रिलाई करा था, उनको कंटिन्यूसली रिवाइज किया था 2 बार 3 बार 4 बार। उसके अलावा सर मैंने क्योंकि डायनेमिक पोर्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसमें मैंने न्यूज़पेपर्स प्लस MEA की ऐप होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऐप, तो उस पर मैंने रिलाई किया था। उसके अलावा सर मैंने आंसर राइटिंग पर अगेन मैंने यहाँ पर भी फोकस किया था ऑप्शनल में, उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है मेंस में जो पूरा डिफरेंस मेक करती है वो आपके आंसर राइटिंग करती है। तो मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगी कि सिलेबस के बाद आंसर राइटिंग को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो वहीं जाकर पहला आंसर लिखते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये अगर अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड कीजिए वाली। ओके श्रेया, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू में आपका क्या रहा था, कैसे सवाल आपसे पूछे गए थे, क्या कोई ऐसा सवाल आपके सामने आ गया था जिसका जवाब आपको नहीं मालूम हो, और उसका जवाब किस तरह से आपने दिया, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। पर कोविड की वजह से इंटरव्यूज बहुत डिलेड हो गए थे, पोस्टपोन हो गए थे, और मेरा इंटरव्यू काफी एंड में था 17 सितंबर को, तो मुझे पहले तो मुझे काफी डर लग रहा था कि उतने टाइम तक सस्टेन कैसे कर पाएंगे, बट थैंकफुली हम लोग कर पाए। और जब हम इंटरव्यू देने गए तो मेरा 4th नंबर था, और मेरा इंटरव्यू क्योंकि मुझे लास्ट ईयर भी मेरा इंटरव्यू था, तो मुझे थोड़ा कम नर्वसनेस थी इस बार, क्योंकि एक थोड़ी सी फेमिलियरिटी बिल्ड हो जाती है, तो थोड़ा कम नर्वसनेस थी। लेकिन जब मुझे याद है कि जब मैं बैठी थी बाहर इंटरव्यू रूम के, और मेरे से पहले भी एक लड़की गई थी, तो वो जैसे बाहर निकल कर आई, उसके चेहरे पर एकदम मतलब उनका रंग पूरा उड़ा हुआ, तो मुझे बहुत डर लग गया कि ओ माय गॉड, उसका तो अभी अच्छा नहीं हुआ है, अभी मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तो वो हल्का सा डर आया था, पर फिर जब मैं अंदर गई तो मेरे जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, उन्होंने बोला कि आप मास्क इज कंपल्सरी लेकिन आप फेशियल हटा सकते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से वो ट्रीट करा, तो थोड़ा सा मैं काम हुई वहां पर। फिर सर क्वेश्चंस जो थे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे डैफ से ही रिलेटेड थे और मेरे प्रिपेयर्ड थे। फॉर एग्जांपल जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं आती हूँ वहां पर एक शाकुंभरी देवी करके एक जगह है, तो उन्होंने उसका पूछा, उन्होंने वुड कार्विंग का पूछा जिसके लिए मेरा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है, उन्होंने PSIR से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, UN से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तो वो काफी प्रेडिक्टेबल था। हालांकि एक क्वेश्चन चेयरमैन सर ने जो पूछा, उन्होंने फर्स्ट उन्होंने ही मुझसे क्वेश्चन पूछे, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि श्रेया डू यू फोरसी एनी सिचुएशन वेयर यू विल लेट गो ऑफ योर एथिक्स, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है ये मुझे पता है। तो उस वक्त मैंने 2 मिनट का पॉज लिया और मैंने बोला नो सर, आई विल ऑलवेज ट्राई टू कीप माय एथिक्स एट द फोरफ्रंट, ऐसा उन्होंने मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे जाने दिया उस वक्त, तो ओके आप दूसरे पैनल मेंबर को पास कर दिया। लेकिन उन्होंने एंड में वो फिर से मेरे पास आए और उन्होंने मुझे 2 केस स्टडीज दी कि अगर फॉर एग्जाम्पल नेशनल इंटरेस्ट और आपके एथिक्स है तो आप क्या प्रिजर्व करेंगे, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है किसी की लाइफ बचाना है और एथिक्स है तो आप क्या प्रिजर्व करेंगे। तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, उनका मैंने उस वक्त तो पॉज लेकर मैंने जितना मैं बेस्ट दे सकती थी मैंने उनको आंसर किया, लेकिन मैं उन क्वेश्चंस की वजह से बहुत डरी हुई थी कि शायद मैंने उनको अच्छे से हैंडल नहीं किया। मैंने बाहर आकर भी अपने फ्रेंड्स को बताया कि शायद उसका ऐसे देना चाहिए था आंसर कि जो भी है बाद में आकर आप बहुत चीजें सोच सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, बट वहां पर प्रेशर में आप जो आंसर देते हैं बस वही दे पाते। मैं बहुत डरी हुई थी उसकी वजह से, और मैं बहुत अच्छी, मुझे लग रहा था इंटरव्यू खराब हो गया पिछले बार से, लेकिन सर थैंकफुली इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी ऑनेस्टी को और एक तरह से मैंने जो ट्रांसपेरेंट नेचर दिखाया उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो वो चीज ऐसे मेरे इंटरव्यू भी आपका हो गया, और उसके बाद फिर लिस्ट में आपका नाम भी आ गया जिसका इंतजार आप कर रहे थे काफी सालों से। तो देखिए, अब जो है आपको सर्विस भी मिल जाएगी, और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लास्ट वर्ड फॉर द एस्पिरेंट्स वो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं सारे एस्पिरेंट कम्युनिटी को मैं यही कहना चाहूंगी कि टाइम्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड इट हैज दिस एग्जाम वाज ऑलरेडी अनप्रेडिक्टेबल, तो आप प्लीज do not look at it as a challenge for your attempt and for your preparation,
इंस्टेड आप इसको ऐसे देखिए, एक अपॉर्चुनिटी, आप ये देखिए कि ये टाइम आप में एक परसीवरेंस, एक पेशेंस बिल्ड करेगा जो आगे जाके आपको सर्विसेज में बहुत काम आएगा। आई नो इट इज वेरी इजी टू से जब आप इस साइड ऑफ द टेबल होते हैं, बट बिकॉज आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस इट एंड आई हैव फाउंड कि अगर आप उसका एक पॉजिटिव माइंड सेट, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आप अपने चैलेंजेस को लें, तो आप बहुत अच्छा उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो बस अगर आपने कुछ चीज, अगर आपने ये चीज एक डिटरमाइन कर ली है कि आपको बड़े, आपको आगे जाकर एक आईएएस ऑफिसर बनना है, तो प्लीज बी रेडी फॉर द चैलेंजेस एंड एम्ब्रेस दोज चैलेंजेस। तो मेरा बस यही आपसे आपके लिए एक मैसेज होगा कि जो भी, वट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, जस्ट स्टे डिटरमाइंड, जस्ट स्टे फोकस्ड एंड यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल। प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दर्शक को ये समझाने के लिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, उन्हें मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी श्रेया हमारे साथ और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में हमें यहाँ पर बताया, उनके लाइफ के बारे में भी हमने थोड़ा जानने की कोशिश करी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।